क्रिकेट और बॉलीवुड का रिश्ता काफी पुराना है, फिर चाहे वो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बात हो या इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे यंगेस्ट कैप्टन मंसूर अली खान पटौदी और फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस शमला टैगोर की बात हो, खेल और अभिनय हमेशा साथ साथ रहे हैं। मंसूर और शमला पहली बार एक क्रिकेट की मैच की आफ्टर पार्टी में मिले थे। मंसूर अली खान पटौदी या टाइगर पटौदी एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट थे और उनके ब्रिटिश एक्सेंट की वजह से उनके जोक्स पर हंसना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो किसी को समझ में ही नहीं आते थे तो टाइगर खुद ही उन पर हंसा करते थे। यही बात शर्मिला को काफी पसंद आ गई, वो टाइगर के सेंस ऑफ ह्यूमर की कायल हो गई। एक बार तो टाइगर पटौदी ने शर्मिला को इंप्रेस करने के लिए उनके घर पर रेफ्रिजरेटर भेज दिया था। हालांकि शर्मिला क्रिकेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, पर दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफी गजब थी। टाइगर एक मुस्लिम नवाब फैमिली से थे और शर्मिला एक ट्रेडिशनल बंगाली टैगोर फैमिली से, तो दोनों के घर वालों को शादी के लिए मनवाना आसान काम नहीं था। इंडिया की फर्स्ट बिकनी एक्ट्रेस को एक नवाबी फैमिली के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल काम था, पर फिर भी दोनों ने अपने परिवारों की मर्जी से ही एक दूसरे के साथ 1968 में एक रॉयल शादी कर ली। इस शादी से दोनों के तीन बच्चे शबाज़, सैफ और सोहा अली खान हैं।